नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है। आपको बता दें कि आप पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जनता ने विजय दिलाई है। वहीं आक्रामक प्रचार के बावजूद बीजेपी दहाई के आंकड़े को नहीं छू सकी है और सिर्फ 8 सीटों पर उसे विजय मिली। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो सीबीआई ने चार्जशीट दायर करके रिश्वत मामले में आस्थाना को क्लीन चिट दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश आस्थाना से जुड़े हुए रिश्वत के मामले में दुबई के उद्योगपति एवं कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद के खिलाफ मंगलवार को आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने हालांकि विशेष सीबीआई न्यायाधीश संजीव अग्रवाल के समक्ष दायर आरोप पत्र में आस्थाना को क्लीन चिट दे दी है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में करीब 54% मत हासिल किए, वहीं बीजेपी को मात्र 38.51% मत मिल सके। अब रुक करते हैं अगली खबर का। तो पीएनबी का नाम नहीं बदलेगा, इन दो बैंकों का पीएनबी में होगा विलय। आपको बता दें, सरकार ने पीएनबी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के दो अन्य बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विलय का फैसला लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो रोहिंग्या शरणार्थियों को ले जा रही नाव डूबी, 14 की मौत की खबर। इस हादसे में कम से कम 14 लोगों की डूबने से मौत हो गई है, वहीं 70 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अगली खबर चीन से है, जहां कोरोना वायरस से अब तक लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने मंगलवार को कहा कि घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम COVID-19 होगा और पहली बार चीन में 31 दिसंबर को सबसे पहले इस विषाणु की पहचान हुई थी। तब से इससे लगभग 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 42,000 से अधिक लोग इससे संक्रमित हैं और यह वर्तमान में 25 से अधिक देशों में फैल चुका है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर बने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर। भारतीय पुलिस टीम के मिडफील्डर विवेक सागर प्रसाद को सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का साल का उभरता हुआ हॉकी खिलाड़ी चुना। 19 वर्षीय विवेक ने अर्जेंटीना के मेको कोसला को पछाड़ा और इस पुरस्कार की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया के ब्लेक गेवर्स तीसरे स्थान पर हैं। वहीं बात करें तीसरे भारत न्यूजीलैंड वनडे की, तो T20 में 5-0 से हराने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत का सफाया कर दिया है। सीरीज के अंतिम मैच में भारत से पहले खेलते हुए KL राहुल के शानदार शतक 112 की बदौलत 7 विकेट पर 296 रन का स्कोर भारत ने खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड ने 47.1 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून PSA 1978 के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी बहन द्वारा याचिका दायर की गई, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। पायलट ने अपनी याचिका में कहा कि अब्दुल्ला को हिरासत में रखना स्पष्ट तौर से गैर कानूनी है और उनसे कानून व्यवस्था के किसी खतरे का कोई सवाल नहीं उठता। वहीं सलमान खान से जुड़ी हुई अगली खबर है। सलमान खान का बड़ा धमाका, ईद 2021 पर आएगी फिल्म। आपको बता दें, सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपनी फिल्म लेकर आते हैं।